हाय गाइस, आज मैं 10 सिंगल मॉल्ट आप लोगों को रेकमेंड करने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से वेरी रिस्पेक्टेबल। मैंने ये बोतलें कम से कम एक दो बोतलें तो इन सब की पी है अकेले, कुछ ना कुछ बात है। अब आप लोग अगर समझ रहे हैं कि यार सिंगल मॉल्ट क्या लगा रखा है लोगों ने, तो सिंगल मॉल्ट होता है सिंगल मतलब सिंगल डिस्टिलरी, मॉल्ट मतलब बार्ली मॉल्ट। तो अगर कोई एक ही डिस्टिलरी में, स्कॉटलैंड में बहुत सारी डिस्टिलरीज है, अगर कोई एक ही डिस्टिलरी से सारे मॉल्ट्स चुने गए हैं तो वो उसको कहा जाता है सिंगल मॉल्ट। वो महंगा क्यों है मुझे नहीं पता, बट ब्लेंडेड स्कॉच जो विस्की होती है उसमें एक मास्टर ब्लेंडर होता है जो मॉल्ट्स को मिक्स करता है और बनाता है। कोई कोई मॉल्ट्स कुड बी रेंजिंग इन स्मॉल ABV, सम हाई ABV कंबाइन करके मॉल्ट को बनाते हैं वो ब्लेंडेड वाले। और एक होती है ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की, जैसे कि मंकी शोल्डर, जैसे कि ग्रीन लेबल, ये होती है वो वाली विस्की जिसमें एक या दो या तीन या चार हाउसेस मिक्स किए गए, जैसे कि ग्रीन लेबल में आपके कलीला, क्रैगनमोर, लिंकवुड और एक और कौन सी थी, टैलिस्कर मिक्स होती है, राइट? तो उसको कहा जाता है ब्लेंडेड मॉल्ट। मंकी शोल्डर भी ब्लेंडेड मॉल्ट है। नंबर 10 पे सबसे पहले मैं कहूंगा ग्लेनगोइन। जी हाँ, ग्लेनगोइन अच्छी विस्की है जो मुझे दो या तीन बार लोगों ने गिफ्ट करी है और मुझे बहुत पसंद आई, बिकॉज इसका फ्लेवर बहुत एनरिचिंग है, फ्रूटी, टॉफी लाइक, स्मोकी, एवरीथिंग इट हैज। तो आपको ये नहीं लगेगा मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। नंबर 9 वुड बी अमरूद फ्यूजन। वो इसलिए बिकॉज अमरूद फ्यूजन में कुछ ना कुछ बात है, अंदाज है, काफी हार्श है। अगर आपको लग रहा है कि इंडियन विस्की है थोड़ी टेम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमरूद फ्यूजन आपको घुमा सकती है। कल रात को मैंने पी थी अमरूद फ्यूजन आफ्टर हैविंग अ बॉटल ऑफ समाइला और हाइला, मेरी काफ़ी लग गई थी। तो अमरूद फ्यूजन में क्या खास है, उसका फ्रूटी अंदाज है और पेपरी नोट एंड में होती है। टेस्ट ऑन पैलेट इज क्वाइट लॉन्ग। अगर आप सिंगल मॉल्ट पी रहे हैं तो एक बात समझिए, एक दो ड्रिंक आपको लगेंगे आपके पैलेट को यूज टू होने के लिए। सिंगल मॉल्ट लोग इसलिए पीते हैं ताकि आपके पैलेट पे कुछ टाइम ज़्यादा रुके टेस्ट, जबकि ब्लेंडेड स्कॉच में वो अंदाज नहीं होता। और सबसे अंदाजी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जो भी मेरे दिमाग में आ रही है वो है शिवस रीगल, और उसमें होता है कि हाँ जब आप पीते हुए तो आपको फ्रूटी लगती है लेकिन एंड में उसके स्मोकी नोट होते हैं, पर वो एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, उसको बाहर निकाल देते हैं उस कॉन्वर्जेशन से। सो नंबर 10 पे मैंने जैसे कहा ग्लेनगोइन, नंबर 9 पे अमरूद फ्यूजन। जी हाँ, ये भी बहुत बेहतरीन विस्की है, मैंने हाल ही में इसका रिव्यू किया था, सो यू कैन वॉच दैट अगर आप इंटरेस्टेड हैं। जितने भी मैंने रिव्यू किए सब मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। जस्ट फॉर रेफरेंस, ये अमरूद फ्यूजन की बॉटल है और जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे, मैंने इसको दो या तीन सिटिंग में इतना निपटाया है। गुड बॉटल, मेरे ख्याल से 4000 रुपये तक की आती या 3500 की आती, थोड़ी सस्ती है ये कंपेयर टू अदर सिंगल मॉल्ट जो इस रिव्यू में आएंगे शायद आगे जाके, बट डेफिनेटली वेरी हाईली रिकमेंडेड। ये उसको लेनी चाहिए जिसको फ्रूटी भी विस्की चाहिए और थोड़ी बहुत स्मोकी भी चाहिए। आई थिंक अमरूद फ्यूजन इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। मैंने सोलन गोल्ड भी ट्राई किया, बहुत याद है, कभी जिंदगी में मत खरीदना वो। नंबर 8 विस्की सिंगल मॉल्ट जो मैं रेकमेंड करता हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और आप लोग खुश होंगे शायद उसको जान के, पर ग्लेनलिवेट 12। जी हाँ, अब हुआ ये कि मुझे कई टाइम तक मुझे शौक था ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का, फिर मैंने नोटिस किया कि जब मैं किसी बार में जाता हूँ जहाँ पे ओपन बार होता है तो मैं अक्सर ब्लैक लेबल से स्टार्ट करूंगा, शिवस से स्टार्ट करूंगा, बट घूम फिर के ग्लेनलिवेट पे आ ही जाऊंगा, बिकॉज इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें रिचनेस है, इसके जो नोट्स है उसमें एक अलर्टनेस है, एक अलाइव चिंगारी है जो कि ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज में कम मात्रा में होती है। ग्लेनलिवेट 12 एक बहुत अमेजिंग विस्की है। हाँ, आपको दो तीन ड्रिंक लगेंगे गियर गाड़ी को स्टार्ट करने में, बट एक बार स्टार्ट होगी तो ग्लेनलिवेट 12। अगर आप इस वीडियो में से कोई भी विस्की नहीं ट्राई करना चाहते तो ये मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा ग्लेनलिवेट 12। ये 1 लीटर की बॉटल है जो ड्यूटी फ्री से खरीदी थी बहुत टाइम पहले, बट ये मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा। इसका मैंने प्रॉपरली रिव्यू नहीं किया तो इसका रिव्यू जल्दी आएगा इसी बॉटल का। सो ग्लेनलिवेट 12 इज़ अ वेरी गुड विस्की, आई वुड गिव दिस फुल मार्क्स, क्योंकि ये 3000 रुपये में आपको मिल जाती है एंड उस प्राइस के लिए ये बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा बेटर है शिवस और ब्लैक लेबल से, जो कहना ज़रूरी है। नंबर 7 एक ऐसी विस्की है जो आइले विस्की है। आइले विस्कीज वो होती है जो
आई थिंक साउथ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में आइले रीजन है, वहाँ से आती है। उनमें क्या फ़र्क होता है, उनका स्मोकी अंदाज होता है, पीटी अंदाज होता है। आर्टबैग 5 करके एक विस्की है, VBST जिसे कहा जाता है। तो ये है आर्टबैग VBST। अगेन आपको पहले 2-3 ड्रिंक में समझ नहीं आएगी, इसका बहुत ही अमेजिंग प्रोफाइल है, बहुत ही अमेजिंग टच है। अभी भी बॉटल में ये बची नहीं है, लेकिन ये इतनी अच्छी लगी मेरे को कि 2-3 दिन में इसको ख़त्म करना पड़ा। आर्टबैग जो न्यूएस्ट मेरी न्यू फेवरेट विस्की कंपनी बन रही है धीरे धीरे, मतलब क्या रोमांस है यार। ऐसा लग, आपको इसको स्मेल करते ही सिगार, लेदर, एक अच्छी सी लाइब्रेरी विद फुल ऑफ बुक्स, कैंडल लिट डिनर, बेकन, ठंड, आइस, बीच, सबकी याद आ जाएगी। आर्टबैग 5 हाईली रेकमेंडेड। 4,500 रुपये की आती है या 4,800 रुपये की आती है फ्रॉम गुड़गांव, आई डोंट रिमेंबर, बट गेट दिस एट नंबर 7, वेरी वेल डिजर्व्ड स्पॉट, एंड आई वांट टू क्लैप फॉर दिस। नंबर 6 एक हाईलैंड विस्की है जिसका नाम है मैकलन गोल्ड। आई थिंक ये 10 ईयर्स वाली विस्की है। लुक इसकी बहुत अच्छी है बॉटल की। स्मेल की बात करें तो इसमें एक अजीब ही रुतबा है। इतनी फ्लुएंट है ना ये विस्की, इमीडिएटली हनी के नोट्स आ रहे हैं, अर्दी हनी के नोट्स आ रहे हैं, फ्लोरल नोट्स आ रहे हैं, मतलब वाओ। जिसे कहते हैं ना लाजवाब विस्की, मतलब सिंगल मॉल्ट, दिस इज क्वाइट यूनिक। आई थिंक मे बी वन ऑफ द बेस्ट फ्लोरल विस्कीज इन द वर्ल्ड, बेस्ट टेस्टिंग विस्कीज, ये सबको पसंद आएगी। विस्की ना भी पीता होगा ना कोई, अगर आप उसको मैकलन 10 पर लाएंगे, गोल्ड पर लाएंगे, वो कहेगा एक सेकंड के लिए यार रुक, वोडका नहीं पियेंगे आज, ये पियेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी ड्रिंक है। मैं बताना भूल गया था कि आर्टबैग 5 का अल्कोहल बाय वॉल्यूम परसेंटेज 47.4 है, और इस वाली मैकलन गोल्ड का कितना है, आई थिंक इट्स 40%। तो जी हाँ, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ABV कम है, लेकिन फ्लेवरफुल है काफ़ी। सो आई हाईली रेकमेंड दिस। नाउ वी आर गेटिंग टू द नंबर 5 स्पॉट। नंबर 5 में मैं दूंगा, मेरे पास वो विस्की नहीं है, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। विस्की नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज वो विस्की ऐसी है कि आप उसको पियेंगे, रात को ओपन करेंगे तो बॉटल भी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। महंगी विस्की है ये, थोड़ी मेरे ख्याल से 5,000 रुपये की आती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5,000 या 4,000 रुपीज़ की आती है फ्रॉम गुड़गांव, 4,500-800, बिटवीन 4,500 एंड 5,500 यू कैन फाइंड दिस ग्लेनलिवेट 15। अब अगर आपको ग्लेनलिवेट 15 को ग्लेनलिवेट 12 से कंपैरिजन करेंगे, तो मैं कहूँगा ग्लेनलिवेट 12 कुछ भी नहीं है ग्लेनलिवेट 15 के सामने। वो इसलिए बिकॉज ग्लेनलिवेट 15 इज़ वेरी गुड ऑन द पैलेट, बहुत अच्छी तरीके से आपके टेस्ट बड्स को रोमांटिसाइज करेगी। ग्लेनलिवेट 15 आपको पहले ड्रिंक से पसंद आएगी, आपको सेकंड थर्ड ड्रिंक का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप कहेंगे यार ये इतनी अच्छी तरीके से मिक्स हुई, एंड सो ऑर्गेनिक इन इट्स प्रेजेंटेशन की कहीं ना कहीं आपको वो शर्म नहीं आएगी कि यार दारू इतनी पीने का दिल कर रहा है। आप कहेंगे ड्यू टेस्ट इतना अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, यू विल हैव नो कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। ग्लेनलिवेट 15 इज दैट गुड एंड वेरी 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 अंडररेटेड। सो दैट वाज माय नंबर 5। नंबर 4 विस्की भी ऐसी विस्की है जो इतनी बेहतरीन है, लेकिन आप ये मत समझना क्योंकि नंबर 4 आ रही है तो इसकी कोई कम इज्जत है। मेरे ख्याल से ये सारी सिंगल मॉल्ट जो मैंने अभी तक नेम करी है, सब में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। किसी दिन आपको कुछ पसंद आएगा, किसी दिन आपको कुछ पसंद आएगा, लेकिन गाइस नंबर 4 पे है कलीला, और काउलीला ये मेरे ख्याल से 3,500 या 4,000 रुपये की आती है। इट्स आइले विस्की, जैसे मैंने पहले कहा था आर्टबैग इज एन आइले विस्की जो स्मोकी होती है, ये भी एक स्मोकी विस्की है। इसका क्या अंदाज है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ बचा हुआ है इस बॉटल में। अच्छा, कुछ बचा हुआ है, आप लुक देखिए, आपको ऐसा लगेगा ऑलिव ऑयल की बॉटल है। वाओ माय गॉड, दिस इज अ रियल मैनली ड्रिंक। इसमें एक तरीके की वाइन कास की भी खूब स्मेल है इसमें, एंड 43% अल्कोहल है, ये बेहोश कर देगी। अगर आप उन लोगों में से हो जिसको विस्की कोक के साथ पसंद है, और आप अक्सर ब्लैक लेबल मिक्स करते हैं या शिवस मिक्स करते हैं विद कोक, मैं कभी जज नहीं करता भाई, तुमको जो करना है तुम्हारे पैसे करो, ठीक है।
पर अगर आप वैसे इंसान हो तो आप कलीला का भी लेके आइए, इसका 60 ml डालिए, 4 पीस बर्फ डालिए, एक डाइट कोक लीजिए, उसको डालिए इसके अंदर और 5 मिनट वेट करिए। उसके बाद ना आपके दिमाग के एंटेना में वो गाना आएगा, नंबर 3 विस्की भी एक आइले विस्की है, मेरे पास बॉटल उसकी नहीं है लेकिन लफ्रॉइग 10 लफ्रॉइग क्लासिक, लफ्रॉइग के काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, लफ्रॉइग क्यू ए कास्क, क्वार्टर कास्क मतलब, और एक और वेरिएंट जिसका नाम भूल रहा हूँ मैं, सारी लफ्रॉइग पी चुका हूँ, लफ्रॉइग 10 इज़ द बेस्ट वन। ओके सारी लफ्रॉइग नहीं पी, मैं 4-5 टाइप की पी चुका हूँ, लफ्रॉइग 10 इज़ द मोस्ट यूनिक वन, मेडिसिनल हर्बल नोट्स, वेरी वेरी यूनिकली स्मोकी, उसको क्या कहते हैं यार, आयोडीन की भी इसमें एक खूबी है विच इज़ यूनिक। ओवरऑल मैं कहूँगा लफ्रॉइग इज़ नंबर 3 बट कुड पॉसिबली बी मे बी द बेस्ट विस्की ऑन दिस लिस्ट। जी हाँ, इतना टक्कर का कॉम्पिटिशन है कि मैं ये नहीं कह सकता कि यार आर्टबैग बेटर है कलीला से या कलीला बेटर है आर्टबैग से, ये सारी की सारी यूनिक है, बट एज अ पर्सनल प्रेफरेंस मैं लफ्रॉइग को दर्जा देता हूँ उसको नंबर 3 में रखने का, क्योंकि वो है इतनी यूनिक। एक नेगेटिव लफ्रॉइग का मैं ये कहूँगा, इट कैन बी अ लिटिल बोरिंग इफ कंज्यूम्ड इन आइसोलेशन। तो लफ्रॉइग 10 जब आप पी रहे हैं तो कभी कभी आपको लगेगा यार ये मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपको दिल करेगा कुछ चिप्स लूँ या कुछ लूँ। ऑन इट्स ओन मुझे नहीं पता कितना अच्छा ड्रिंक है वो नहीं, कल मैंने आर्टबैग 10 ख़त्म करी है एंड ब्यूटिफुल आर्टबैग 10 इज़ ब्यूटिफुल, बट आई एम स्टिल वेरी न्यू टू द आर्टबैग वर्ल्ड, तो मैं उसको I'm just putting it as an honorable mention, क्योंकि वो 6,000 रुपये की आती है, जबकि लफ्रॉइग 10 with 40% ABV only, I could be wrong, I'll correct myself, is approximately, how do you say it, 4,400 rupees, and ABV वेरी करता है, आई थिंक अमेरिका में कम ABV आता है, यूके वाले में 43% होता है, अमेरिकन वाले में 40% होता है। लफ्रॉइग 25 मुझे पिलाई थी किसी ने, मैंने रिव्यू भी किया था उसका, एंड यार मैं क्या बोलूँ, लफ्रॉइग 25 आई कांट बिलीव दैट एग्जिस्ट्स, इट्स दैट गुड। आप में से सब लोग पूछ रहे होंगे नंबर 2 में कौन सा होने वाला है, तो नंबर 2 गाइज फॉर मी इज ग्लेन फिडिक 18, 8,000-8,500 रुपये की आती है। बीच में जब लॉकडाउन आया तो इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि ये गायब होगी मार्केट से, और सीधा सीधा इनके 30% प्राइस बढ़ चुकी है। पहले ये 5,000-4,800 रुपये की आती थी ग्लेनफिडिक 18, शेरी ओक कास्क में बनती है, बहुत यूनिक फ्लेवर्स है, इट इज़ अ माउथफुल, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्मेल यू एवर स्मेल्ड इन योर एंटायर लाइफ, येस इट इज़ दैट डैम गुड। मैं कहूँगा ग्लेनफिडिक 18 की एक परफ्यूम भी आनी चाहिए फॉर आवर ड्रिंकर्स, इट स्मेल सो गुड यू वॉन्ट टू just go into it and swim in a sea of Glenfiddich 18. So Glenfiddich 18 is probably the best, it's a scotch of course, all whiskies that come from Scotland are scotches. Glenfiddich 18 ka unique characteristic hai, unique taste hai, aap kisi party mein jitni whiskies rakhni rakh lijiye, sab ke sab Glenfiddich hi lenge. Glenfiddich is the badshah of the single malt world and Glenfiddich 18 is probably the best whiskey ever. नंबर 1 विस्की मेरे हिसाब से है ग्लेनमोरांजी। जी हाँ, ग्लेनमोरांजी जो कि आइले विस्की नहीं है, ग्लेनफिडिक भी आइले विस्की नहीं है, ग्लेनफिडिक इज़ ऑल्सो हाईलैंड विस्की और आई थिंक ग्लेनमोरांजी इज़ ऑल्सो हाईलैंड विस्की जस्ट लाइक मैकलन। ग्लेनमोरांजी मेरे पास 3 बॉटलें पड़ी है लेकिन तीनों ख़त्म है, मैं लेके नहीं आऊँगा दिखाने के लिए, बट एक ख़राब बात ग्लेनमोरांजी की मैं ये कहूँगा कि जिस दिन ग्लेनमोरांजी खुलती है बॉटल, तो कम से कम अगर आपके एक दोस्त भी आ गया ना तो मतलब बॉटल ख़त्म है, देर इज़ नो वे, देर इज़ नो चांस। आप टीचर्स आइलैंड अपने पियोगे राइट, अगर कोई दोस्त आ गया टीचर्स आइलैंड खोल दी तो ख़त्म है, मतलब देर इज़ नो चांस। ब्लैक लेवल का मुझे नहीं पता इतना, बट हाँ टीचर्स वॉट विस्की कैन आई कंपेयर ग्लेनमोरांजी विथ, विच इज़ अ विस्की आई कैन कंपेयर इट विथ, आई वुड प्रॉब्ली कंपेयर इट विथ गोल्ड लेवल जॉनी वॉकर, इवन ग्लेन जो अपनी फिडिक 18 है आई वुड से थोड़ा बहुत गोल्ड लेवल जैसी है, और या फिर एज 18 जो आती है जॉनी वॉकर जिसका रिव्यू जल्द आने वाला है। तो
ग्लेन ब्रांच में क्या कितनी खास बात है, मैं कहूँगा उसका इतना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, इतना प्लेजेंट टेस्ट है ऑन द माउथ, इट इज सच अ राइप ब्लूम एंड एक्सप्लोशन एंड एन एक्सप्रेशन दैट इट इज माई फेवरेट विस्की, मतलब बहुत यूनिक है. दीज आर द 10 बेस्ट सिंगल मॉल्ट्स एज पर मी. मैं पहले सोच रहा था बिगिनर्स के लिए बनाऊ, पर बिगिनर क्या होता है भाई, मतलब लेके आ रहे हो सिंगल मॉल्ट के लिए पैसा ही खर्च रहे हो तो बेस्ट लेके आओ यार. ग्लेन ब्रांच जी कितनी की आती है, सिर्फ 3,000 रुपये की आती है. जी हाँ, मैंने सिर्फ 3,000 रुपये की आती है फ्रॉम गुड़गांव और असली बॉटल में. मैंने हाल ही में, मेरा दोस्त आया था, ख़त्म की थी हमने साथ में मिलके. सो दैट इज़ माई टॉप 10 लिस्ट. इसमें मिसिंग आपको लगेगा टैलिस्कर, लेकिन टैलिस्कर इतनी पी नहीं है, वो डिजर्व नहीं करती. एक और मिसिंग आपको लगेगा ग्लेन ब्रांच जी 10, जो कि एक बेहतरीन ट्रैवल शॉप वाली विस्की है. आप में से कई लोग कहेंगे ग्लेनलिवेट 18 क्यों नहीं डाली, ग्लेनफिडिक 12 क्यों नहीं डाली, बट ग्लेनफिडिक 12 आई हैवन ट्राइड, आई हैव अ बॉटल, उसको जल्दी अनबॉक्स करेंगे. 5,000 की आती है, 5,500 की. बाकी आई लव विस्कीज लाइक ब्रूक लाडे, क्लासिक लैडी आई डिड नॉट लाइक, सोलन गोल्ड आई डिड नॉट लाइक. मैंने कोई भी विस्की पॉल जॉन की नहीं बोली, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट. नो पॉल जॉन विस्की इज दैट गुड, नॉट मिथुना, नॉट बोल्ड. निर्वाणा मैंने कभी ट्राई नहीं करी, नॉट इवन इंटरेस्टेड. सो या जाते जाते मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा, मेरे पास जो भी विस्कीज है अभी किस कंडीशन में है. तो हाल ही में मैंने इम्पीरियल ब्लू का रिव्यू किया था, एंड ये है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल. हम यहाँ आएंगे तो यू सी ये खाली बॉटल ग्लेन ब्रांच जी, ये ग्लेन ब्रांच जी 10 खाली बॉटल, पता नहीं यहाँ पे क्यों रखी है, कुछ काम करना पड़ेगा इसका. ये मैंने जैसे कहा कल मैंने फिनिश की है हार्ड बैक 10, शिवस रीगल 13 ब्लू लेबल, शिवस रीगल 15, ये एक बॉटल है उसकी ग्रीन लेबल की फिनिश्ड बॉटल, लूसीफर्स ब्रेड लेबल विलियम लॉसन ग्रैंट्स, इसका रिव्यू जल्द आएगा ग्लेन ग्रैंड 10 का. ग्लेन गैरी रिव्यूज आउट, दिस इज अ फिनिश बॉटल ऑफ ग्लेन ब्रांच जी, फिनिश बॉटल ऑफ टीचर्स, पीछे भी एक टीचर्स पड़ी है, ये एक फिनिश बॉटल है मंकी शोल्डर की. ओके, कैन यू गेस इसमें कौन सी विस्की है. ये एक शिवस का भी रिव्यू आने वाला है, शिवस नीड्स अ न्यू रिव्यू, इट विल कम वेरी सून. यहाँ पे तो ये सभी है, एरिस्टोक्रैट, कैलेंटर, बकाडी. दिस इज सपोज टू हैव ग्लेनफिडिक विस्की 18 ईयर्स, इतनी सी सम अदर स्टफ. दिस इज सम अदर विस्कीज आई हैव, लेट मी नो इफ यू सी समथिंग यू लाइक.